Hi, this is Tanu here. Welcome to my channel Tropical Penguin. If you really like my videos, please subscribe to my channel, which is free of cost. Don't forget to click the bell button for latest updates, and at the end do click the like button. Thank you. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Tanu here और आप देख रहे हैं मेरे channel Tropical Penguin. So आज का जो video है ये एक review video है जो एक nail polish remover का review है from the brand Coloressence. So कुछ ऐसा एक डब्बा सा है. So पहले आते हैं इसके packaging में. Packaging ऐसा ही था, देखिए जैसे मैंने दुकान से जैसे ऐसे ही पहले purchase किया था. एक cute सा एक bottle में आता है, pink color का bottle. और एक्चुअली मैंने नेल पॉलिश रिमूव किया ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मुझे रिव्यू बनाना था. सो एक क्यूट सा एक पिंक कलर की बोतल में आते हैं जिसमें कि एक स्क्रू कैप लगा हुआ है और वो एक लाइट पिंक कलर में है. और उसके नेल पॉलिश रिमूवर के डब्बे के ऊपर, बोतल के ऊपर एक प्लास्टिक का एक नॉब जैसा बना हुआ है जिसे आप प्रिक कर सकते हैं या फिर निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैं प्रिफर करती हूँ प्रिक करना, लेकिन इस बार मैंने शायद नहीं किया क्योंकि मुझे सच में नीडल नहीं मिल रहा था. सो आते हैं इसके क्वांटिटी पे. इसका क्वांटिटी है 50 ml और इसका प्राइस है ₹95. सो मैंने इसको पहले एक बार यूज़ किया था, उसके बाद मैंने लिया है. सो इसमें इसका कंटेंट है, मतलब इसमें है, ये क्लेम करता है नेल कलर रिमूवर विद विटामिन ई. विटामिन ई हम सभी को पता है, विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स. ये नेल्स को बढ़ाता है और क्या बोलते हैं, हमारे हेयर को भी बढ़ाता है और हमारे स्किन को अच्छा करता है. ठीक है. सो इसमें क्वांटिटी इंग्रेडिएंट क्या क्या है, प्यूरिफाइड एसीटोन, इथाइल एसीटेट, ग्लिसरीन, डी पैंथेनॉल, टोकोफेरॉल एसीटेट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. सो इसका इंग्रेडिएंट हो गया. और हम सबको पता है कि नेल पॉलिश रिमूवर हमें कैसे यूज़ करना है, लेकिन एज पर कलरेसेंस हमें कैसे यूज़ करना है मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ. 4x कॉटन वुल टू वाइप ऑफ नेल कलर थॉरली एंड जेंटली. कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट. कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. ओके. सो हमें सभी को पता है कि नेल पॉलिश रिमूवर कैसे यूज़ की जाती है. हमें इसे निकालना है, हमें लेना है कॉटन. मैंने एक छोटा सा कॉटन लिया है और हमें लेना है इसमें, देन वी हैव टू रिमूव इट ऑफ. सो देखते हैं कि कैसा काम करता है. सो मेरे नेल्स आप देख सकते हैं थोड़े गंदे भी हो चुके हैं और मुझे निकालना था अपने सारे नेल पॉलिश. ठीक है, रेड कलर मैंने लगाया हुआ था. तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं और ये सच में कैसा काम करता है. आपको देखना भी तो है ना, पैसे लेने का पहले पैसा टिकाओ और पैसा वसूल टाइप का तो होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कैसा काम करता है ये. सो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक इस बॉटल में मैंने निकाला है और ये नॉब को, मैं प्लास्टिक के नॉब को एक्चुअली मैंने प्रिक नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया. सो मैं इसे धीरे से केयरफुली आप इसे रिमूव करिए और थोड़ा सा मैं कॉटन में पोर कर रही हूँ एंड देन चलिए रिमूव करते हैं. देखिए एक बार में रिमूव हो चुका है. मेरा जो नेल पॉलिश का कोटिंग था वो शायद 3 कोटिंग था, लेकिन ये बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा है. ठीक है, ये देखिए निकल गया. ये जो आपको दिख रहा है मेरे नेल्स पे, ये मैंने मेहंदी लगाया हुआ था इसीलिए वो नहीं निकल रहा है. सो ये भी निकल चुका है और बहुत अच्छे से निकला है. थोड़ा सा भी स्टेन नहीं हुआ है. आप मैंने बहुत सारे नेल पॉलिश रिमूवर का देखा है, थोड़ा येल्लोइश स्टेन छोड़ देता है नेल पॉलिश पे, सॉरी नेल्स पे, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है. बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा है. एक्चुअली मैंने बहुत छोटा एक कॉटन लिया है, ये आपका ऊपर है आप कितना बड़ा कॉटन लेना चाहते हो. मैंने एक ही बार लिया है और उससे ही मेरा एक हाथ का रिमूव हो चुका है. सो आप समझ सकते हैं ये थोड़ा सा ही इसमें कंटेंट इसका इफेक्टिव है फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश. मेरा हाथ बहुत ही अजीब सा है, पता नहीं क्यों मुझे मेरा हाथ बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है. सो चलिए इसी मैं इसी से ट्राई करती हूँ, देखते हैं कि इसी हाथ का भी निकलता है या नहीं. मैंने बहुत कम लिया था गाइस. अगर आपको, आप बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश लगाते हैं और अगर आपको नेल्स में, मतलब हम कैसा होता है जब हम रिमूव करते हैं एक नेल पॉलिश की परत ऊपर पड़ जाता है नेल्स के ऊपर, तब आप क्या करिए, आप
थोड़ा सा एक लेमन का टुकड़ा ले और उससे आप अपने नेल्स के ऊपर थोड़ा घिस लीजिए, उससे आपके नेल्स वाइट हो जाएंगे। थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा ले और इससे नेल्स को थोड़ा घिस लीजिए, उससे नेल्स का क्वालिटी और शाइन भी बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैं कोलगेट लगाते देन उठाती हूँ, लेकिन वो मेरे नेल्स पे इतना इफेक्टिव नहीं करता, शायद वो सबके नेल्स पे काम नहीं करता है, लेकिन मम्मी के नेल्स पे अच्छा काम किया था। ये हो गया मेरे दोनों हाथ, देखिए इतना सा है, एनफ है, अभी भी शायद थोड़ा सा है क्योंकि वो अल्कोहल का थोड़ा सा लग रहा है ठंडा ठंडा सा। ये हो गया है मेरा नेल पॉलिश और इसे मैं, और इसे हर वक्त आप बंद करके रखिए ताकि ये उड़ ना जाए, क्योंकि इसमें है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नेल पॉलिश रिमूव हो चुका है, इसके बाद मैं थोड़ा सा लेमन लूँगी एंड देन मैं इस पर घीसूँगी। दूसरा एक लेमन लिया है एंड देन मैं इसको घीस रही हूँ एक लाइट से, आप घीस सकते हैं। एक्चुअली पैर के नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमारे पैर के नेल्स ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि हम बाहर निकलते हैं। अभी हम दूसरे हाथ के भी कर लेते हैं, लेकिन आप ये करने के पहले एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, आप लेमन से कोई एलर्जी तो नहीं है आपको। ये 5 मिनट में रख दूंगी, उसके बाद मैं धो दूंगी। कोशिश करती हूँ एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ एक प्रोडक्ट लाने के लिए। यही है सस्ता सुंदर टिकाऊ SST। हाँ, ये है SST। SST प्रूफ्ड, मैं आज से यही बोलूँगी इसको, ये है SST प्रूफ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। हाँ, शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।